हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आज मेरी स्टार्टिंग ऑटो से हो रही है, तो मैं ऑटो में हूँ और लाइब्रेरी जाने के लिए एकदम रेडी हूँ। सो हम चलते हैं लाइब्रेरी और आगे बात करते हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल को लेकर, जिसमें आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। तो अभी ये मेरी लाइब्रेरी का रास्ता है, ऑटो से उतरने के बाद, काफ़ी पैदल चलने के बाद तब लाइब्रेरी मेरी आती है। देन आपके क्वेश्चन क्या थे कि दीदी आपने जो कि टेलीग्राम चैनल बताया है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी शो कर दूंगी, आप देख लेना कि कौन सा चैनल है। उस पर बहुत लोग 80 या 90 लोग ऐड ऑन हो चुके हैं। एंड देन वहाँ पे मैंने PDF भी भेज दी है स्टैटिक जीके की, जिसको नहीं प्रोवाइड हुई है वो जाकर देख लो जल्दी से। एंड थर्ड चीज़ ये है कि आप लोगों ने क्या यार इतने सारे क्वेश्चन भेज रहे हो। एक बताऊँ, मेरी खुद की पढ़ाई है और मैं खुद भी क्वेश्चंस करती हूँ और फिर वहाँ से आती हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो शूट करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। ये मेरा उसका था CCC का, जो कि सर्टिफिकेट फट गया था, बैग में रखा, तो वही मैं दिखा रही थी। और ये मेरी स्टैटिक जीके के नोट्स हैं। तो मैं हर किसी के आंसर टेलीग्राम पर नहीं दे पाऊँ, तो प्लीज़ यार सॉरी यार, मेरे को माफ़ कर देना, नहीं दे पाती मैं यार, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को। तो ये मेरा स्टैटिक, अब ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल जो मैं दिखाने वाली हूँ, मथुरा गर्ल के नाम से, जिसमें 41 मेंबर है, नहीं 41 से ज्यादा हो चुके हैं, 81 या 90 के अप्रोक्स में मेंबर है मेरे, देख लेना आप। एंड देन अब मेरी फर्स्ट क्लास चलती है मैथ की, जिसमें मैं मैथ पढ़ने वाली हूँ, और मैथ में मैं कर रही हूँ वही नंबर सिस्टम चल रहा है। आज मेरी शायद लास्ट क्लास रह गई है नंबर सिस्टम की, एंड देन मैं आगे बढ़ जाऊंगी, क्योंकि मैंने सबसे पहला जो चैप्टर किया था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था, देन मैंने जो सेकंड किया था वो नंबर सिस्टम है। राकेश यादव सर से पढ़ रही हूँ, करियर बिल से आप पूछते रहते हो, आज मैंने बता दिया है। और जिसका मैथ नहीं हो रहा वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं दोनों चीज़ों के लिए कर रही हूँ, स्टैटिक जीके रेलवे, स्टैटिक जीके एंड सॉरी SSC GD है, NTPC है, स्टेनो है, एंड देन बहुत सारे एग्जाम्स हैं वन डे, तो मैं सबके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप सबके इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पा रही। आज मैं जो आप लाइव में पूछते हो मैं उधर सारी चीज़ें बता दूंगी और क्लियर कर दूंगी। तो मथुरा गर्ल टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है वही उसी नाम से मेरा मथुरा गर्ल चैनल जो टेलीग्राम चैनल है, सो जाके फॉलो कर लो। एंड मैं धीरे धीरे सब चीज़ भेज दूंगी यार, एक साथ मैं स्ट्रैटेजी के नोट्स नहीं भेज सकती जो आप बोल रहे हो। अभी एक ही भैया आए थे लाइब्रेरी में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और लाइब्रेरी की आज लाइट ऑन नहीं थी, पता नहीं लाइट नहीं आ रही थी, तो हम ऐसे बैठे थे ओपन करके। सो ये हमारी लाइब्रेरी है, छोटी सी, अच्छी सी, प्यारी सी, बहुत शांत रहती है, तो अच्छा लगता है पढ़ना। एंड ये मेरी स्ट्रैटेजी के नोट्स हैं, जो कि मैंने है ना ग्रुप से निकलवाएं, जो कि सर का नवीन सर का बैच है वहाँ से निकलवाएं। आज मैंने ना आपको एक नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं एक चैप्टर के, अब ये और भी टॉपिक वाइज मैं आपको देती रहूंगी। ये मेरी क्लास नंबर 8th चल रही है और मैंने अभी आपको क्लास नंबर 1 के नोट्स प्रोवाइड कराए, तो धीरे धीरे भेजती रहूंगी यार। प्लीज टेलीग्राम पर ये मत बोला करो कि दीदी अब ये आप पे ना और भेज दो और भेज दो, मैं टाइम जैसा जैसा टाइम मिलेगा मैं आपको सब भेज दिया करूंगी। और मैं सबके क्वेश्चन, और वहां पर मैथ के क्वेश्चन आप भेजे जा रहे हो यार, मैं सबके सॉल्व थोड़ी ना कर सकती, अगर मैं आपके ही करूंगी तो फिर मेरा आंसर मेरा कहां से पेपर हो जाएगा, तो कुछ ऐसा चलता रहता है। तो ये स्टैटिक जीके के नोट्स जो थे मैंने पढ़ लिए थे, 1.5 घंटे मैंने स्टैटिक जीके की क्लास ली थी। एंड देन हम चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में बीच में छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा है ना स्टेनो को एग्जाम आ रहा है दिसंबर में, मैं हमेशा बताती हूँ। तो मेरी इंग्लिश चल रही है प्लस वोकैब चल रही है, तो मैं नीतू मैम की क्लासेस नो नेम्स कर रही थी, तो ये दोनों मेरे चलते रहते हैं, एंटोनेम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, फ्रेसेज हैं, और तो मैं धीरे धीरे सब कुछ करती रहती हूँ जिससे मेरा भूलूं नहीं। तो आप रिवीजन जरूर किया करो किसी भी चीज़ की, जिससे यहाँ तक बहुत टाइम तक रहता है और भूल नहीं पाती। अगर आप किसी, चाहे आपकी मैथ हो, स्टैटिक जीके हो या इंग्लिश हो, अगर आप याद नहीं करोगे तो कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, है ना। तो ये मेरा हो गया था, और मैं सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जहाँ तक मेरा हो जाता है ना उसको पेज को फोल्ड कर देती हूँ, जिससे मेरे को पता चल जाए कि मेरे को नेक्स्ट क्लास कौन सी टॉपिक से करनी है और कौन सी चीज़ से करनी है। तो ये मेरे बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब जो कि मैं थक जाती हूँ यार पढ़ते पढ़ते, तो परेशान हो जाती हूँ, पैर को लटका लटका के मतलब स्वेलिंग सी आ जाती है नीचे, तो फिर मैं ऐसे फोल्ड करके पढ़ने लग जाती हूँ। अब ये मेरे है ना गर्दन का तरीका, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है अगर ऐसे रख लो तो। तो अभी चलते हैं, तीन क्लास हो चुकी हैं, 4th क्लास पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी फ्रेंड है ना, वो सैंडविच लाई थी अपनी भाभी से बनवाकर, मैं डेली उन्हें उसे ताने देती थी कि कुछ खाने को ले आया कर, कुछ खाने को ले आया करे, तो फाइनली आज सैंडविच लाई थी। एंड थैंक यू सो मच अगर तू मेरा ब्लॉग देख रही है तो, कि तूने मेरे को सैंडविच खिलाई। तो हम दोनों सैंडविच खा रहे थे, लेकिन उसकी सैंडविच थी, मैंने सबसे ज़्यादा खाई, होता है फ्रेंड्स में, किस किस के साथ होता है बताना।
कि एक दूसरे को खाने को खाने खा जाते हैं, और कौन कौन कास्ट का फर्क समझता है। हम तो देखो कास्ट का डिफरेंस नहीं समझते, वो SC से हैं, मैं OBC से हूँ, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं। एंड देन फोर्थ क्लास पे चलते हैं, जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री थी, जिसमें हम करने वाले थे अर्ली मेडिवल हिस्ट्री इंडिया। तो पता क्या चल रहा है हमारा, कि जो भी मैं कर रही हूँ ना, मैं बायजीत राणा सर से ये कर रही हूँ, एंड देन मैं क्या है ना, आज मैं पूरा रिवीजन कर रही थी, जितना भी मैंने टॉपिक ले लिए थे, आज मेरा 8 या 6-7 टॉपिक हो गए होंगे, तो वही मैं पुराना रिवीजन कर रही थी, क्या कैसे हुआ था। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये कोई उससे PDF नहीं निकलवाई, ये मैं खुद से बना रही हूँ और खुद से कर रही हूँ, खुद से सब कुछ कर रही हूँ, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो कोई भी ये मत कहना दीदी इन्हें भी सेंड कर दो, यार मैं कब तक क्या करूँगी, सच्ची बताऊँ मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, मेरे को लगता है मेरे को नहीं बनाना चाहिए था टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपकी आपको ना रिप्लाई दूँ तो मेरे को भी अजीब लगता है कि आप ऐसे बोलते हो कि दीदी कर दो, एंड देन मैं नहीं कर पाती, तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैं सबको नहीं दे रही, और बहुत से फिर गलत कमेंट करते हैं, अरे भाव खा रही है, अरे इतरा रही है, एंड ये कर रही है, वो कर रही है, यार मैं, यार तुम प्लीज़ सोच लिया करो एक बार बैड कमेंट करने से पहले। एंड देन मैं, ये मेरी छोटी सी शॉर्ट्स नोट्स है जिसमें मैं देखती रहती हूँ कि मेरा क्या रह गया और लिख लेती हूँ। और उसके बाद हम गए थे आज रेस्टोरेंट खाने, क्योंकि आज भूख लग रही थी, और आज हमें बाहर का खाना था, तो हम यहाँ खाने आ गई। तो ये कौन जानता जो शंकर के पास एक और रेस्टोरेंट खुला है, बताना होली गेट पे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय।